तुम्हारी बात हो रही है वीडियो में रिकॉर्ड। एक बंदा मुझे बोल रहा था कि मतलब कमेंट करा है कि भाई एलपीयू में तो केवल 3 से 3.5 लाख का पैकेज लगता है और इस तरह की चीजें होती है। क्या नाम है भाई का? गमन त्यागी। गमन त्यागी। कितने का पैकेज लगा यार उनका? 21 लाख का पैकेज लगा है। कितने का? 21 लाख। 21 लाख भाई। अच्छा जी दोस्तों, आप देख रहे हो L4LP और भाई आज की वीडियो में जो भी होने वाला है ना वो बिल्कुल सच होने वाला है और पहले भी हमेशा सच ही होता हुआ आया है। मैं कभी भी चीजों को मैनिपुलेट करके नहीं बताता कि भाई LPU ऐसा है या वैसा है या फिर भाई आपके आपके आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप एडमिशन लो या ना लो। मेरा काम है चीजों को बताना। तो भाई अभी मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि यार कुछ चीजें क्लियर करनी चाहिए। अब भाई आयुष भाई ने कमेंट किया है, कमेंट ये है, ट्रस्ट मी इट इज टू ओवररेटेड। मतलब कि ये यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा ओवररेटेड है, ओवरप्राइज्ड है। यू हैव रियली हेक्टिक शेड्यूल। मतलब कि ये बोल रहा है कि काफी हेक्टिक शेड्यूल है यूनिवर्सिटी का और भाई बोल रहा है कि सेल्फ स्टडी के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलेगा और अगर आप अच्छा पैकेज क्रैक करना चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा क्योंकि जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बस केवल वो 3 से 3.5 लाख तक का पैकेज लेते हैं, मतलब उनको यही मिलता है और वांट टू स्पेंड जस्ट टाइम इन कोकरिकुलर एक्टिविटीज। तो ये उनके लिए सही है जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। और एक्सपेंसिव हॉस्टल है, बैड फूड क्वालिटी है, मैस बेकार मैस है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मार्केटिंग टीम जो नेगेटिव कमेंट्स है वो रिमूव कर देती है इंटरनेट से। तो भाई अब देखो ये तो भाई ने बताया, अब मैं इसका थोड़ा रिप्लाई करता हूँ। सबसे पहले हेक्टिक शेड्यूल। भाई राणा जी, राणा जी, ओ हेलो। yes. भाई सुन, अपना टाइम टेबल निकाल के दिखा मुझे BCA का। भाई सब कुछ एकदम मतलब कि कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये तो चूतिया है, फालतू की बकवास करता रहता है। अब देखो कुछ भी, अब देखो सबसे पहले हम करते हैं बात, इसका टाइम टेबल देखते हैं जो ये BCA में पढ़ रहा है। मैं भी BCA में हूँ, हम सारे BCA में हैं। ये देखो अभी भाई, देखो लाओ दिखाओ आज का हम टाइम टेबल देखते हैं। ये रहा टाइम टेबल, पूरा पूरी यूनिवर्सिटी एक ऐप पे शो होती है इनके। तो भाई टाइम टेबल जैसे ओपन करता हूँ मैं, तो आज है, आज कौन सा डे है भाई? थर्सडे। थर्सडे में केवल 4 क्लासेस है। चलो मैं ये स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब भाई 1 से 2 क्लास है, फिर 2 से 3 क्लास है, फिर उसके बाद 3 से 4 क्लास है और 4 से 5 क्लास है। तो भाई मुझे ये बता दो, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो क्या आप एक दिन में 4 क्लासेस हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है? आज की बात नहीं करता, अभी आगे भी देखते हैं कि आगे का क्या हाल है। अब फ्राइडे के दिन देखते हैं। फ्राइडे को देखो भाई 3 क्लासेस है। रुको मैं इसकी ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ जो कि आपको फिर दिखने में आसानी हो। ये देखो फ्राइडे में 3 क्लासेस है, सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती, संडे को कोई क्लास नहीं होती। अब बात करते हैं मंडे से, भाई मंडे को 5 क्लासेस है, फिर ट्यूसडे को भी 5 क्लासेस है, ठीक है जी, और जी वेडनेसडे को भी 5 क्लासेस है, और जी थर्सडे का मैंने आपको बता दिया 4 क्लासेस, और फ्राइडे को 4 क्लासेस है। अब मुझे ये बता दो, अगर एक दिन में आप 5 क्लास लेके उसको हैक्टिक बोल रहे हो तो फिर यार इजी क्या है, ठीक है जी, या फिर हैक्टिक क्या होता है आप मुझे बताओ। उसके बाद ये बोलता है कि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। तो भाई जो कॉलेज की टाइमिंग है वो 10 बजे से सुबह के शाम के 5 तक होती है, उससे पहले आप कुछ भी करो, उसके बाद कुछ भी करो, आप क्लास में आओ, लेकिन 75% अटेंडेंस करनी ज़रूरी होती है। इफ़ आप 75% एग्रीगेट नहीं करते तो आपको एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिए जाएंगे, अटेंडेंस का बड़ा कैड़ा मामला है। अब भाई बोलता है कि हायर पैकेज नहीं मिलता। अच्छा जी भाई नकुल को कॉल कर अभी। कुछ भी यार, मतलब कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है, अभी उसका भी नहीं पता कि वो कॉल पे क्या बोलने वाला है, क्या गाली देने वाला है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि भाई हायर पैकेज नहीं मिलता। मुझे देखो सिद्धू का फैन है ये। क्या हाल है नकुल भाई? आरिफ बोल रहा हूँ, आरिफ बोल रहा हूँ, कैसे हो यार? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बताओ, बताओ। अरे यार पहले आवाज सही से बोलो। साले ने कॉल ही कट कर दी, दोबारा कर रहा है। चलो भाई बिल्कुल रियल चीजें चल रही है, मैं कोई आपको केवल कि आपको अच्छा लगे नहीं, कुछ नहीं, जो है सामने है अभी इसके। हाँ LPU के कुछ डिसएडवांटेज भी बताने वाला हूँ जो कि मुझे भी पसंद नहीं आए और भाई ने कुछ बातें सही भी बोल रखी है,
लेकिन एक कमेंट, इतना लंबा चौड़ा कमेंट करना भाई, कोई बात नहीं। लो भाई आप भी पढ़ो कमेंट। अगर मैं, हाँ भाई कैसे हो? वो जो तुम्हारे भाई थे बीटेक करी थी, कौन सा कोर्स किया था उन्होंने? वो जो वहाँ पे मोहाली में प्लेसमेंट लगी है उनकी। मामा का लड़का मेरे अच्छा, मामा का लड़का है तुम्हारे? और सगे मामा का लड़का और अच्छा, क्या नाम है भाई का? गमन त्यागी। गमन त्यागी। कितने का हाँ पैकेज लगा यार उनका? 21 लाख का पैकेज लगा है। ए कितने का? 21 लाख। 21 लाख भाई। हाँ अच्छा जी, बढ़िया थे पढ़ने में? भाई, पढ़ने में मैं कह रहा हूँ सारी सारी रात इंतजार से पूछो ना, इंतजार तो उनके साथ बहुत रहा यार। इंतजार कहाँ है? हाँ, इंतजार से पूछो, इंतजार उनके साथ बहुत रहा। 21 लाख कौन सी कंपनी, कहाँ पे लगा है? चंडीगढ़ मोहाली जेड स्केलर, कौन सी कंपनी? जी स्केलर, जेड स्केलर, जनता जी स्केलर है कि जेड स्केलर एक है? मिनट चुप हो जाओ यार। जी स्केलर भाई, सुनो अब मेरी बात। तुम्हारी बात हो रही है वीडियो में रिकॉर्ड। एक बंदा मुझे बोल रहा था कि, मतलब कमेंट करा है कि भाई एलपीयू में तो केवल 3 से 3.5 लाख का पैकेज लगता है और इस तरह की चीजें होती है। हाँ तो भाई, मैं एक भाई जो जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको प्रूफ दिया है कि भाई देखो 21 लाख का पैकेज लगा है बीटेक से। तो भाई ठीक है नकुल भाई, ओके करता हूँ मैं तुमसे बात। ओके भाई, तो भाई मोहाली में पैकेज लगा है और 21 लाख का पैकेज, तो भाई देखो ये। और दूसरी बात भाई, आपका कितने का पैकेज लगा था ये बताओ एक बार मुझे। मेरा सेकंड ईयर था, मेरा स्टार्टिंग 5 का था। अच्छा 5। और भाई का रीजन बड़ा ही खतरनाक था आने का, वो हम यार बताने में क्या यार, भाई भाई की गर्लफ्रेंड के बिना मन नहीं लगा। ये आ गया, अब इसका प्लान है कि भाई एमसीए करेगा फिर जाएगा। तो भाई 5 लाख का पैकेज बीसीए में लगा है यार। और दूसरी, मैं भी 2 बार प्लेस्ड हो चुका हूँ, बट भाई यूट्यूब इतना अच्छा चल रहा है, उसके बाद कंपनी में मैंने 2 महीने काम किया, उसके बाद भाई मैं आ गया क्योंकि भाई यूट्यूब अच्छा चल रहा है। दूसरा, मुझे एमसीए भी करनी है। अभी एक बंदे का कॉल आया था मेरे पास, ये इंस्टाग्राम में ही है वो बंदा, वो बोल रहा था कि भाई अब ये बताओगे एमसीए करना ठीक रहेगा या फिर बीसीए के बाद प्लेसमेंट ले ले। अब देखो, बीसी हमारे सर ने भी ये बात बताई थी, अगर आप बीसीए के बाद प्लेसमेंट लेते हो ना, फिर जब जॉब लग जाएगी आपकी बीसीए के बाद भी, लेकिन जब एक प्रमोशन का टाइम आएगा, उस टाइम पे क्या होगा कि भाई चलो अब आप भाई हम प्रमोशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन है, मास्टर्स नहीं है। तो फिर बंदा दोबारा आता है कॉलेज में मास्टर्स करने, फिर दोबारा जाता है। तो भाई इससे अच्छा ये है कि आप पहले ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, देन जॉब लो, जो कि आपका एकदम फुल होगा। और भाई बीसीए वाले से पहले एमबीए वाले खड़े हैं, बीसीए से पहले एमसीए वाले खड़े हैं, बीटेक वाले खड़े हैं। तो बीसीए को तो वो कंपनी लेगी जिनको बस नीड है या नई कंपनी है, तो आपको एमसीए करना बिल्कुल बेस्ट रहेगा। अब भाई भाई ने बोला कि एक्सपेंसिव हॉस्टल है। हाँ भाई एक्सपेंसिव हॉस्टल है, क्योंकि जो रूम पीजी में 10 हज़ार में मिलता है, मतलब 5 हज़ार में एक रूम, जिसमें जो मैं हूँ आप बेड वगैरह देख सकते हो यार, खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो इस रूम की कंडीशन क्या है। तो ये रूम 10 हज़ार का है, हम 2 बंदे रह रहे हैं, 5 5 हज़ार आया। साइड साथ में देखो एसी भी है, पूरा फ्रिज वगैरह है, आरओ है, एलईडी है, एलसीडी है, और जी छत देख लो आप एकदम, लाइटिंग वगैरह सब कुछ है, और 10 हज़ार का ये रूम है। तो हाँ भाई, हॉस्टल वाली बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये एक्सपेंसिव हॉस्टल है। बैड फूड क्वालिटी भाई, बिल्कुल बैड। हाँ मतलब वो काम चला सकता है इंसान, खाना कहीं नहीं मिलेगा, घर जैसा खाना बिल्कुल। क्या कह रहे हो भाई? घर वाला खाना कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। भाई देखो, हाँ ये तो बात है, हम भी मिस करते हैं, 3 साल हो गया हमें यहाँ पे। घर का खाना तो घर का होता है, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन हाँ मेस में भाई ये शिकायत है कि खाना अच्छा नहीं है, और उसके कंपैरिजन में बाहर अच्छा खाना है। 60 और 70 रुपीज़ थाली है, एक अभी हम शाम को खाते हैं जहाँ पे, 70 रुपीज़ थाली है, 2 सब्जी मिलती है, चावल मिलते हैं, रायता मिलता है, और 5 रोटी मिलती है 70 रुपये में। तो भाई देखो, खाना आपने सही कहा, बेड हॉस्टल्स है, फूड क्वालिटी है। तो मैं तो एलपी वालों को एनकरेज करूँगा कि भाई अच्छा करो। और वरस्ट मैनेजमेंट टीम है,
मैनेजमेंट टीम यार वर्स्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते, आपको कहीं पे भी सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं होगी भाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो मैनेजमेंट तो जरा सा भी हल्का नहीं हो सकता, बिल्कुल टाइट है। आपकी जो भी क्वेरी है, अगर आपका आई कार्ड भी खो जाता है ना, तो अगर भाई गार्ड के पास गए हो, सबसे पहले टंग स्टाइल से एंट्री होती है, अगर आपका आई कार्ड भी खो जाता है वो लिख लेता है कि भाई अपना आई कार्ड बनवाओ, और बस ये वो ऐसा नहीं करते कि भाई नई एंट्री नहीं होगी। दूसरा, अगर आप अंदर कोई भी किसी भी काम से जाते हो तो आपका सल्यूशन है, क्योंकि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। तो मुझे तो पता नहीं भाई ने क्यों कहा कि वर्स्ट मैनेजमेंट है। दूसरा, भाई ने लास्ट बात यह कही है कि मार्केटिंग टीम रिमूविंग द नेगेटिव पॉइंट्स फ्रॉम द इंटरनेट। अब भाई मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी बंदे को गाली दे रहा हूँ या फिर मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ, गाली इन द सेंस गाली भी नहीं, मैं उसको कुछ गलत कह रहा हूँ जो उसके लिए नेगेटिव है, लेकिन दुनिया में वो इतना गलत नहीं है, तो भाई मुझे ये बता दो कि कौन है जो डिलीट करा सकता है। केवल जो ऐप है जिस पर तुमने डाली है वो डिलीट कर सकता है, अदरवाइज किसी और की हिम्मत नहीं होगी कि आपका कंटेंट कोई डिलीट कर दे, है कि नहीं भाई? अगर मैं वीडियो में कुछ बोल रहा हूँ तो या तो फिर YouTube कहेगा कि आपने किसी गाइडलाइन को ब्रेक किया है, अदरवाइज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि कहे कि भाई मैं तुम्हारी चीज़ें डिलीट कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केटिंग टीम अपनी जगह है, जो लगता है कि गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, भाई कोई भी आपका कंटेंट डिलीट नहीं कर सकता। अब ये तो हुई भाई की बातें, अब बात बताता हूँ भाई जो कि लोगों को डाउट आ रहा है। अब मैंने कुछ लिख रखे है डाउट कि जो सभी लोगों को डाउट आ रहे हैं भाई। अब जो भी बंदे एडमिशन ले रहे हैं उसके बाद वो पीजी लेना चाहते हैं, अब पीजी के बाद क्या होता है कि आवाज़ कम कर यार, अब पीजी के बाद क्या होता है तो वो बोलते हैं कि लोगेट सेफ है या नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, लोगेट एलपीयू के साइड में ही एक जगह है जहाँ पे पीजीज वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे कई हज़ार बच्चे रहते हैं। अब सेफ की बात बता दूं भाई, बिल्कुल सेफ है, किसी भी लड़की को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रहो या फिर लड़की लड़की साथ में रहो। यहाँ पे मैं आपको पीजी बता दूँ कि किस किस तरह के पीजी है। यहाँ पे ऐसे भी पीजी है जिनमें बाहर गार्ड रहता है, उन बिना किसी के एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे भी पीजी है कि जिनमें आप कभी भी जाओ कभी भी आओ। यहाँ पे हर तरीके के पीजी, यहाँ पे गर्ल्स पीजी भी है, यहाँ पे बॉयज़ पीजी भी है जिनमें एक 8,000 रुपये सीट है या फिर 10,000 रुपये सीट है। उसमें क्या होता है कि आपको रूम भी देंगे, वो मतलब कि बिल्कुल हॉस्टल की तरह वो रूम भी देंगे, खाना भी देंगे, बस उनमें वही यार क्वालिटी घट जाती है। दूसरा, प्लेसमेंट होती है या नहीं होती है भाई, ये क्वेश्चन मेरा भी था जब मैंने एडमिशन लिया, तो आज भी मेरे याद है एप्पल टावर है यहाँ पे। एप्पल टावर है कौन सा है वो, रेड एप्पल, हाँ रेड एप्पल टावर में एक बंदा रहता था, उसका लास्ट ईयर था, मतलब जैसे अब हमारा एग्ज़ाम वगैरह हो गए, तो हमने उससे ये पूछा कि भाई प्लेसमेंट हो जाती है या नहीं हो जाती, तू भी था क्या उस दिन साथ? नहीं, ये नहीं था। तो भाई उसने जवाब दिया कि भाई प्लेसमेंट की तो टेंशन भी मत लो भाई, हो जाती है, लेकिन हमने फिर भी टेंशन ली कि मैं कहा यार ये तो बड़े इजी तरीके से कह रहा है कि प्लेसमेंट की टेंशन भी मत लो, लेकिन आज हम उस बात को कह सकते हैं सामने वाले बंदे को, मैं कहा भाई प्लेसमेंट की तो टेंशन बिल्कुल भी मत ले, प्लेसमेंट हो जाएगी। मैं तो देखो सबसे ज़्यादा क्या मानता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि टेक्निकल कंपनी BCA में कम आती है एज़ कम्पेयर टू जो सेल्स वगैरह कंपनी होती है। अब सेल्स वगैरह बंदे को क्या चाहिए, सेल्स वगैरह वाली कंपनी को, बंदा स्मार्ट, बोलने में स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, मतलब कि एक स्पीकिंग स्किल्स, वर्ड को अच्छा जोड़ना आना चाहिए उनको, सभी बोलते हैं यार ऐसे तो, लेकिन अगर कोई देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बिना रुके आपको 15 मिनट वीडियो बना दी, तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तभी तो। अब यहाँ बात हो रही थी यार प्लेसमेंट की, तो भाई प्लेसमेंट हो जाती है, टेंशन मत लेना, बस अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर ध्यान लगाना कि इंग्लिश अच्छे से बोल पाओ। और दूसरा, अगर आप कोई भी लैंग्वेज अच्छी कर लेते हो, जावा, पाइथन, सी और जावास्क्रिप्ट, कोई सी भी भाई, आपकी प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता, और पैकेज भी 3-4-5 लाख का नहीं होगा, फिर 8-10-12 लाख का होगा, चाहे फिर आपके पास BCA है MCA, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक स्किल है जिससे आप एक पूरा वेब पेज बना सकते हो या फिर एक पूरा ऐप क्रिएट कर सकते हो, तो भाई मैं तो मानता हूँ कि कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती अगर आपके पास स्किल है। अब भाई अगर मैं ही हूँ, मुझे पूरा ऐप क्रिएट करना आता है, मैं सामने भाई प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी मानती है स्किल, अगर आपके पास स्किल है, आप चीज़ें दिखा रहे हो उनको कि भाई मैं ये किया है और मैं कैपेबल हूँ,
तो वो आपको भाई फिर कुछ भी, आपकी स्किल्स भी खराब है ना बोलने की, लेकिन आपको चीज़ें आती है कोडिंग वगैरह, तो भाई वो आपको बिल्कुल लेंगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं कॉल भी रिसीव करता हूँ लोगों की अगर इंस्टाग्राम पे भाई जो बात करने के लिए कहता है कि भाई तुम भाई नंबर चाहिए, तो मैं उसको वहीं पे इंस्टाग्राम पे ही कॉल कर लेता हूँ। तो अगर कोई भी डाउट आपका एलपीयू से रिलेटेड, और भाई सबसे लास्ट बात, मैं कोई भी चीज़ें मैनिपुलेट नहीं करता कि ऐसा है या वैसा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए बोल दो, बना देंगे। बाय बाय।